हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंदार। आज मैं लाया हूं आपके लिए स्किन केयर टिप्स जो आपको किसी भी मौसम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये वीडियो अंत तक देखना। आखिरी में मैं ऐसे हैक्स बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी पूरी बदल देगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और जो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं कर रहा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्किन प्रॉब्लम किसे नहीं होती है, जैसे कि डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल, पिंपल, पिगमेंटेशन, ये प्रॉब्लम तो सभी फेस करते हैं। भाई मैंने भी करी थी, आप भी करते हैं, और ये प्रॉब्लम तो ज़्यादातर टीनेजर्स को ज़्यादा होती है। तो ऐसा सॉल्यूशन लाया हूँ, इसका हमेशा सफाया हो जाएगा। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको इन प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। जिनको बहुत सारे पिंपल्स होते हो, हमेशा दाने आते रहते हो, तो उन लोगों को नींबू के टुकड़े लेना है और सर्कुलर मोशन में रगड़ना है। और किसी की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो तो उनको पानी में डायल्यूट करके फिर हल्के हल्के हाथ से रब करना है, उससे आपके पिंपल्स कम होने लगेंगे। थोड़ी देर सूखने के बाद उसे गुनगुने पानी से वॉश कर लेना है। रोज ऐसा करने से आपके पिंपल्स कम होना चालू हो जाएंगे। पिंपल के लिए दूसरा टिप, अगर आपको नींबू से एलर्जी है तो आपको ये टिप जरूर आजमाना चाहिए। आपको एक जायफल लेना है जो आप खीर में तो जरूर खाते होंगे, पर आज आपको वो स्किन पे लगाना है। जायफल एक लेना है, कच्चे दूध में रगड़ लेना है और उसका जो पेस्ट बनेगा उसे चेहरे पे लगा लेना है। 2 घंटे तक रख के उसे फेस वॉश कर लेना है। रोज करने से आपके पिंपल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और फेस पे ग्लो आ जाएगा। तीसरा टिप, नीम की पत्तियां, खाना नहीं है, फेस पे लगाना है, उसका पेस्ट बना के चेहरे पे अप्लाई कीजिए। नीम की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट रहता है जो आपके पिंपल तो हटाएंगी, साथ ही साथ एंटी एजिंग का भी काम करेगी। तो हुआ ना 2 in 1। चौथी टिप, जीरा। जीरा खाली खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, आपके पिंपल को भी दूर करता है। 1 या 2 चम्मच जीरा ले, उसे पीस के पेस्ट बना के चेहरे पे अप्लाई कीजिए और आधे घंटे के बाद चेहरा साफ कर लीजिए। इससे आपके पिंपल तो सारे खत्म हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके चेहरे को नरिशमेंट मिलेगी। बेहतर रिजल्ट के लिए आपको ये चीज रोज करनी पड़ेगी। 5वां टिप, लहसुन। लहसुन आपके वेट लॉस में तो काफी हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके चेहरे के पिंपल्स पे भी काफी दूर करता है। इसे अप्लाई करने के लिए 3-4 कलियां लीजिए और इसका पेस्ट बनाइए, और जहाँ जहाँ आपको पिंपल हो रहे हैं वहाँ वहाँ आप लगा लीजिए। आप कुछ देर अपने चेहरे पे रहने दीजिए, उसके बाद कोल्ड वाटर से फेस वॉश कर लीजिए, इससे पिंपल काफी कम हो जाएंगे आपके। 6वें टिप, मानो या ना मानो, टूथपेस्ट पिंपल के रामबाण इलाज है, स्पेशली व्हाइट टूथपेस्ट। जहाँ जहाँ आपको पिंपल हो रहे हैं वहाँ अप्लाई करना और आधे घंटे बाद ठंडे पानी से वॉश कर लेना। लेकिन ध्यान रखना, जेल बेस्ड टूथपेस्ट कभी यूज मत करना। रोज आधा घंटा यूज करके देखो और इसका कमाल देखो, पिंपल्स धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। 8वां पॉइंट, पिंपल से छुटकारा पाना है तो इसमें हल्दी आपकी काफी हेल्प करेगी। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो आपके चेहरे को ग्लोइंग करती है। थोड़ी सी हल्दी को पानी में मिला के आपके मुहासे पे लगाएं और रात भर रहने दे, सुबह साफ पानी से धो ले, फिर देखना आपके पिंपल कैसे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, 9 टिप, ये टिप के बारे में आपने शायद ही सुना होगा, डिस्प्रिन की गोली सिर्फ सर दर्द में काम नहीं करती बल्कि पिंपल्स को भी ठीक करती है। डिस्प्रिन की गोली लेना, थोड़े से पानी में मिलाना, फिर उसे पिंपल में अप्लाई करना, उससे आपके पिंपल कम होने लग जाएंगे। ये चीज तो मैंने भी ट्राई करी थी, आप भी ट्राई करके देखना, वर्क जरूर करेगी। तो दोस्तों, अब बारी आती है हैक्स की, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोला था। रातों रात पिंपल का सफाया करने के लिए ये कुछ चीजें हैं जो आपकी काफी हेल्प करेगी। पहला है बेकिंग सोडा और नींबू, ये चीजें दोनों आपको पक्का यूज करना है। 2nd, एंटी बैक्टीरियल सोप, ये सोप लगाने से भी आपके पिंपल्स कम होने लगेंगे। 3rd इज टूथपेस्ट, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये पक्का वर्क करता है, लिख के ले लो। 4th है बाम, बाम आपके पिंपल में लगाओ, थोड़ा जलेगा पर 100% वर्क करेगा। 5वां है गुलाब जल, जो नेचुरल टोनर की तरह काम करेगा। गुलाब जल आपके पिंपल को ठंडा करने के लिए काम आता है। अगर आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल हो रहे हो तो गुलाब जल जरूर ट्राई करना, 100% वर्क करेगी।
तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी स्किन केयर टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिसने मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाके फॉलो कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो दोस्तों मैं आऊँगा ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।